हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पल्लवी पाक विधि। आज की रेसिपी है पाव भाजी। आज के वीडियो में आप देखेंगे कि मार्केट जैसी पाव भाजी घर पे कैसे बनाते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पाव भाजी बनाने के लिए 3 आलू, 1 गाजर का स्किन हटा के छोटे पीसेस में कट कर लिया है। 300 ग्राम गोभी लिए हैं और बीट रूट के 3 पीसेस लिए हैं। इन सभी को हमें अच्छे से वॉश करके कुकर में डालना है। गाजर डालने से पाव भाजी का टेक्सचर स्मूथ आता है, तो बीट रूट के डालने से पाव भाजी का कलर बहुत अच्छा आता है। इसी के साथ इसमें 1 गिलास पानी और 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और 3 से 4 सीटी ले लेंगे। जब सब्जियां पक जाए तो इसे इस तरह से मैश कर लेंगे। सब्जी को जितना अच्छे से मैश करेंगे उतनी ही पाव भाजी खाने में मज़ेदार लगेगी। अभी यहाँ पर 1 प्याज, 1 शिमला मिर्च और 3 टमाटर को अच्छे से बारीक कट कर लिया है। इसी के साथ मैंने आधी कटोरी मटर के दाने भी लिए हैं। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने आधी कटोरी ऑयल डाल दिया है। जैसे ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए उसमें 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। इसी के साथ हम इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे और इसे करीब 1 मिनट तक इसी तरह से चलाते रहेंगे। जब प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ पर प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस यह थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को प्याज के साथ करीब 2 मिनट हम इसी तरह से पका लेंगे। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं और शिमला मिर्च भी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, तो इसमें हम डालेंगे कटे हुए टमाटर। टमाटर को प्याज और शिमला मिर्च के साथ करीब 1 से 1.5 मिनट तक इसी तरह से पका लेंगे। जैसे ही यह सारी सब्जियाँ थोड़ी सॉफ्ट हो जाए तो इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले। टमाटर और शिमला मिर्च बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून शेजवान चटनी। शेजवान चटनी डालने से पाव भाजी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स करना है और इसमें हम ऐड करेंगे हरे मटर। मटर को हमें इस मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेना है। मसाले में साइड से तेल छूट रहा है, तो इसका मतलब यही है कि हमारा पाव भाजी का मसाला बहुत अच्छा भून चुका है। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 ग्लास पानी और इन्हें सभी को मिक्स करके हम इसे ढक कर 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, ताकि शिमला मिर्च और प्याज अच्छे से गल जाए और मटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे मटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसी में हम भाजी को ऐड करेंगे। तो भाजी को हमने यहाँ पर मसाले में डाल दिया है, तो अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि भाजी और मसाला दोनों ही आपस में अच्छे से मिलजुल जाए। इसी के साथ इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और 1 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे। ध्यान रहे हमने नमक पहले भी डाला है, तो अभी हमें थोड़ा सा ही नमक डालना है। इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसे ढक कर लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी पाव भाजी यहाँ पर बनकर तैयार है। इस पाव भाजी का टेक्सचर काफ़ी स्मूथ आया है और इसका कलर भी बहुत बढ़िया है। तो इसे हरे धनिया के साथ गार्निश करेंगे और इसे सर्व करेंगे। अभी हम पाव को भी सेक लेते हैं। तो तवे के ऊपर हमने थोड़ा सा बटर डाला है, उसी के ऊपर हम थोड़ी सी पाव भाजी और हरा धनिया भी डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी सब्जी के ऊपर अभी हम पाव को रख देंगे। पाव के ऊपर हम बटर लगा देंगे और उसे पलट कर दोनों तरफ से सेक लेंगे। पाव भाजी के साथ अगर इस तरह से मसाला पाव मिल जाए तो खाने का मज़ा और भी दुगना हो जाता है। तो अगर आपको आज की यह पाव भाजी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।